हरियाणा में ई टेंडरिंग के खिलाफ सरपंचों का विरोध थमता नहीं दिख रहा। दरअसल प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी के पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में परिवादों की सुनवाई के लिए पहुंचने वाले थे। पंचायत सभा स्थल के दोनों तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इससे पहले ई टेंडरिंग के विरोध को लेकर भारी संख्या में भिवानी, रोहतक और दादरी से आए सरपंचों ने भिवानी के हुडा पार्क में इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में पंचायत भवन की तरफ कूच किया तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन सरपंच पुलिस कर्मियों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और पुलिस की वैन सरपंचों को गिरफ्तार करने पहुंची। इस दौरान सरपंचों को घसीटते हुए जबरदस्ती बस में बैठाकर गिरफ्तार किया गया और सरपंचों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ई टेंडरिंग प्रक्रिया और सरपंचों को रिकॉल करने के कानून का विरोध जताया। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, मंत्री साहब जो है लोगों की समस्याएं जो है, दिशा निर्देश तो मुलाजमों के लिए यही है कि अगर कोई भी इस मीटिंग के अंदर बाधा पहुंचाएगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दो कंपनियां लगाई गई। सरपंचों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने गांवों के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की है जिसमें काफी झोल है। सरपंचों ने आरोप लगाया कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया से काम समय पर पूरे नहीं हो पाते और ठेकेदारों पर से सरपंचों का अधिकार समाप्त हो जाता है, जिसके चलते काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता में कमी आएगी, इसलिए वो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। सरकार के किसी नुमाइंदे को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा और जो पंचायत के पैसे होते हैं पंचायत फंड के, उसका भी ये सरकार ई टेंडर करने जा रही है। वो पैसा तो गांव का है, उसके ऊपर तो इनका अधिकार ही नहीं है कुछ। और ये टेंडर सिस्टम करना था, दो साल का बजट सरकार हजम करके बैठी, ये पारदर्शिता करनी थी उस टाइम पे करनी थी ना, तब गांव लेवल के ऊपर एक काम भी करके नहीं दिखाया, तब भी यही एक्शन SDO यही सब कुछ यही था, कहाँ गया वो बजट। विरोध के लिए इकट्ठे हुए विरोध के लिए, क्योंकि हम सभी सरपंच मिलकर विरोध करेंगे, क्योंकि जो हमारे को परेशान किया जा रहा था, चोर बताया जा रहा, अभी काम तो किया ही नहीं स्टार्ट और चोर पहले बता दिया गया है। प्रशासन भी जो है कि ज्यादा वो कर रहा है, ये सही नहीं है चीज, ये जो किया जा रहा है इसके खिलाफ और सारी चीजें होंगी, तो एक दिन ऐसा होगा कि आने वाला जो समय है उसमें बता दिया जाएगा कि भाई सरपंच क्या चीज होती है। वैसे ये लोकतंत्र ही देश में ये तानाशाही है, हमारे को सरकार के आगे बोलने दिया जा रहा, हम तो प्रतिनिधि है सरकार की, मैं नीटू सरपंच बोखरा, ये देखो। सरपंचों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि जब तक ई टेंडरिंग प्रक्रिया को वापस नहीं लिया जाता और सरपंचों के रिकॉल करने के नियम को समाप्त नहीं किया जाता, वो विधायकों, मंत्रियों और सरकार के प्रतिनिधियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। उनका विरोध उनकी मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। भिवानी से अंकित ठाकुर, टोटल न्यूज़।